Matinee show is brought to you by Livogen Tonic. थकान और कमजोरी से दे आजादी. इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ. थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं. लीजिए लिवोजन टॉनिक. इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी. हेलो नमस्ते आदाब, मैं हूं सोनाली दी लालनटॉप पर. आप देख रहे हैं मैटिनी शो. मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट. इसमें हम बात करते हैं फिल्म सिनेमा से जुड़े कुछ चर्चित मसलों पर. इन दिनों हर तरफ टीवीएफ की एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है. सोशल मीडिया पर फैन क्लब्स बन गए, मीम पेजेस चल रहे हैं, फैन वॉर्स तक हो रहे हैं, क्योंकि इसके हर किरदार से लोग बहुत रिलेट कर रहे हैं. ये सीरीज घर परिवार से दूर रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले तीन स्टूडेंट्स और बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी बताती है. सीरीज घटती है दिल्ली के यूपीएससी हब माने जाने वाले राजेंद्र नगर इलाके में. वैसे तो इस कहानी की पूरी बनावट इंडिया के सबसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी के बारे में है, मगर इसे देखने के दौरान आपको जीवन के बारे में भी बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने को मिलता है. खैर, हम यहाँ फर्जी का ज्ञान छाड़ने के लिए नहीं आए. वो आप खुद YouTube पर फ्री में उपलब्ध TVF Aspirants के एपिसोड्स में जाकर देख सकते हैं. हम आज चर्चा करेंगे इस सीरीज के पांच मुख्य किरदारों पर, जिनकी जिंदगी किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है. ये इतने रियल हैं मानो हमारे बगल वाले घर में रहते हो. यही वजह है कि इन कैरेक्टर्स से पब्लिक भयानक तरीके से कनेक्शन महसूस कर पा रही है. तो आइए हम TVF Aspirants के इन पांचों किरदारों की कहानी जानते हैं. सबसे पहले श्वेत केतु झा उर्फ SK. सीरीज शुरू होने के साथ सबसे पहले हमारा तारुफ होता है SK से. नाम है श्वेत केतु झा, लेकिन स्टूडेंट्स SK सर के नाम से जानते हैं. तीन दोस्तों में से SK सबसे सुलझा हुआ आदमी है. यूपीएससी की तैयारी कर रहा था मगर कभी क्रैक नहीं कर पाया. जिस स्थिति में लोग बिखर जाते हैं, सच कहें तो SK निखर गया. उसकी कुंठा ने उसके जीवन में क्लैरिटी का संचार किया है. उसके चाचा ने अंडर प्रिविलेज बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवाने के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला, तो SK सर वहीं पर फ्री में 3 घंटे की क्लास लेते हैं. एक तरफ बच्चे उनकी बात सुनकर मोटिवेट होते हैं, तो दूसरी ओर उनकी बाइक पर लगी नीली बत्ती देखकर उनका मजाक भी उड़ाते हैं. मगर TVF Aspirants में SK बाबू अपने दो कॉलेज फ्रेंड्स की सुलह करवाने में ही खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं. सीरीज में SK का जो कैरेक्टर है वो निभाया है एक्टर कॉमेडियन अभिलाष थपलियाल ने. अब दूसरे किरदार की बात करते हैं. अभिलाष शर्मा किरदार का नाम है. जब आप ये सीरीज देखना शुरू करेंगे तब आपको अभिलाष का जो किरदार है अपने गोल को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस नजर आएगा. अभिलाष पहले प्राइवेट नौकरी करता था, नौकरी के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करता था, मगर कुछ भी नहीं हुआ. वो अपना आखिरी अटेम्प्ट देने की तैयारी के लिए राजेंद्र नगर आया है, मगर अभिलाष के साथ समस्या ये है कि वो हर चीज में समस्या ढूंढ लेता है, मगर उसे ये नहीं पता कि उस दिक्कत से निपटना कैसे है. खैर, अपने आसपास के माहौल से सीखता हुआ वो इन चीजों से पार पा लेता है. वो धैर्य नाम की फेलो यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ प्रेम में पड़ जाता है, फिर खुद ही उस प्रेम से बाहर निकलने का फैसला करता है. वो तीन लड़कों के ग्रुप का इकलौता मेंबर है जो यूपीएससी का इम्तिहान पास करके IAS बना है, मगर सालों पुराना प्रेम उसके जीवन की एक आखिरी चीज है जिसमें वो आज भी उलझा हुआ है. TVF Aspirants में अभिलाष शर्मा का जो किरदार निभाया है वो निभाया है चर्चित वेब एक्टर नवीन कस्तूरिया ने. तीसरा किरदार है गुर्री उर्फ गुरप्रीत सिंह. TVF Aspirants का सबसे मजेदार मगर सबसे अधपका किरदार है गुर्री. SK, अभिलाष और गुर्री कॉलेज के टाइम से तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. यूपीएससी की तैयारियां भी साथ में कर रहे हैं, मगर गुर्री थोड़ा सा नॉन सीरियस है क्योंकि हरियाणा में उसके पिता की एक फैक्ट्री है, 20 एकड़ जमीन भी है, इसलिए वो थोड़ा सा चिल्ड आउट नजर आता है. मगर गुर्री और अभिलाष की गाड़ी अभी पास्ट में अटकी हुई है. इन दोनों का कुछ तो पंगा है. SK का पूरा किरदार इन दोनों की सुलह कराने में ही निकल जाता है. खैर, गुर्री अपने जीवन में यूपीएससी नहीं निकाल पाता है, पर प्लान के मुताबिक वो बिजनेसमैन बन जाता है, लोकल कंपनी के जूते बनाता है. अब वो शादी करने जा रहा है. SK चाहता है कि गुर्री अपनी शादी में अभिलाष को भी बुलाए, मगर गुर्री ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता. वो ऐसा क्यों नहीं चाहता, इस बारे में तो बकायदा एक पूरा एपिसोड है, आप देखिए. हम उसे आपके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहते, नो स्पॉयलर्स. द स्क्रीन पत्ती के वैसे हिट शो रवीश की रिपोर्ट में जर्नलिस्ट राजा रवीश कुमार बनने वाले शिवंकित परिहार ने
टीवीएफ एस्पिरेंट्स में गुर्री का रोल निभाया है। चौथा कैरेक्टर है संदीप भैया, संदीप ओलान यानी कि संदीप भैया सीरीज के सबसे कल्ट कैरेक्टर है। चुपचाप रहने वाला एक सीनियर यूपीएससी कैंडिडेट जिससे तैयारी करने वाले दूसरे बच्चे सलाह लेने आते हैं। संदीप भैया के सारे लड़के बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। उनका भी आखिरी अटेम्प्ट है। किसी तरह अभिलाष से उनकी दोस्ती हो जाती है। संदीप एक गरीब परिवार से आने वाला लड़का है जो कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकता है। पहले घर वाले पूछते थे कि यूपीएससी नहीं निकला तो क्या करोगे, अब वो खुद से भी यही सवाल पूछने लगा है। मगर इतने साल खर्च करने के बाद उसके पास यूपीएससी नहीं निकालने का ऑप्शन ही नहीं है। एक ऐसा किरदार जिससे बहुत लोग जुड़ाव महसूस करेंगे। इस सीरीज का इमोशनल एंकर है संदीप भैया। संदीप ओलान का किरदार निभाया है द फैमिली मैन फेम एक्टर संदीप हिंदुजा ने। सीरीज की पांचवी कैरेक्टर धैर्य की बात करते हैं। टीवीएफ एस्पिरेंट्स में यूपीएससी निकालने का सपना रखने वाली एक महिला किरदार भी है। उनका नाम है धैर्य। यूपीएससी निकले या नहीं, उनका मकसद बच्चों में नशा खत्म करने का है। इसकी कोई बैक स्टोरी नहीं बताई है। खैर, धैर्य और अभिलाष साथ साथ तैयारी करते करते प्यार में पड़ जाते हैं, मगर इन्हें लगता है कि रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए अलग हो जाते हैं। धैर्य के बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं पता चलता है, मगर ये किरदार सीरीज में दोबारा वापसी करता है। इस बार ये एक बड़े बदलाव के कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। इस सीरीज में धैर्य का रोल किया है एक्टर नमिता दुबे ने। टीवीएफ एस्पिरेंट्स को वैसे लिखा है दीपेश सुमित्रा जगदीश ने। इन्हें आप टीवीएफ फिल्म्स के कौशल सर के रूप में याद कर सकते हैं। वैसे इस सीरीज को डायरेक्ट किया है अपूर्व सिंह करकी ने। टीवीएफ एस्पिरेंट्स को टीवीएफ के यूट्यूब चैनल पर फ्री में स्ट्रीम किया जा सकता है। मैटिनी शो में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे दी लल्लन टॉप। एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हाँ, जिंदगी में टीवीएफ एस्पिरेंट्स जैसा ट्राइपॉड सभी को चाहिए। कैमरा वाला ट्राइपॉड नहीं, गुर्री अभिलाष और एसके वाला ट्राइपॉड। मैटिनी शो आपके लिए लिखा है हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।